दबंग 3 मुन्ना बदनाम में सलमान खान के साथ धमाका करेंगे प्रभु देवा। इस हॉट एक्ट्रेस की होगी एंट्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का हमारे चैनल फिल्मसी फिलर में स्वागत है। तो दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 को लेकर काफी समय से चर्चा है और इस समय ऐसी खबर आ रही है जो कि आपको काफी ज्यादा खुश कर देगी। दरअसल इस बार फिल्म में आइटम नंबर खुद सलमान खान करने वाले हैं, जिसके बोल होंगे मुन्ना बदनाम हुआ। तो ये बात तो जाहिर है, जब सलमान खान खुद आइटम सॉन्ग करेंगे तो गाने में तो काफी ज्यादा मस्ती होने वाली है। खबर ये भी आ रही है कि गाने को खुद प्रभु देवा कोरियोग्राफ करने वाले हैं और वो खुद शानदार स्टेप करते हुए इस गाने में नजर आएंगे। तो चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गाने में लव यात्री फ्रेम वीरना हुसैन भी अपने किलर मूव से लोगों को दीवाना बनाते नजर आएंगी। इन दोनों की एक्टिंग की खबर से इतना तो साफ हो गया है कि यह गाना काफी बड़ा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस फिल्म में सलमान खान की पिछली जिंदगी की कहानी भी दिखाई जाएगी। दबंग के तीसरे भाग में दिखाया जाएगा पुलिस बनने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे बने चुलबुल पांडे। दबंग 3 फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर सलमान खान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो महेश मजरेकर की बेटी भी इस फिल्म में नजर आने वाली है और महेश मजरेकर ने फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के पिता का रोल निभाया है। दोस्तों, इस बार चुलबुल पांडे की कहानी पिछले दो फिल्मों से काफी दमदार साबित होने वाली है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक पुलिस वाला सीधे सिस्टम से टकराता है। तो सोनाक्षी सिन्हा का लुक इस बार काफी शानदार होने वाला है। इस फिल्म के म्यूजिक भी काफी दमदार होने वाले हैं। इस फिल्म के गाने और म्यूजिक को लेकर काफी काम किया जा रहा है। इस फिल्म से शानदार गाने की उम्मीद है। और दोस्तों, कीचा सुदीप इस फिल्म में एक दमदार विलन का रोल निभाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आप सभी से विदा लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।